नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च किया गया है इंडिया में, तो निर्मला सीतारमण जी ने इसे लॉन्च किया हुआ है। तो आज हम लोग समझेंगे ये सब होता क्या है, बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं, क्योंकि काफी सारे टर्म्स होते हैं जो आपको जल्दी समझ में नहीं आते हैं, उन सबको मैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूं। आज के बाद से आपको आर्थिक सर्वेक्षण और बजट इसकी पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी, साथ ही साथ जो भी छोटे छोटे टर्म्स होते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। क्या कुछ था इस खास आर्थिक सर्वेक्षण में, इसको भी हम लोग समझने वाले हैं, तो पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है। सबसे पहले समझिए ये आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिकल सर्वे होता क्या है। तो दोस्तों जब भी बजट पेश करना होता है तो उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च किया जाता है, जस्ट एक दिन पहले। जैसे प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को बजट पेश होता है, तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष आपको 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जो प्रस्तुत होती है वो देखने को मिलेगी। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में क्या होता है, जैसे देखिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझिए, आप किसी घर में रह रहे हो, वहां पर क्या होता है कि जब भी नया साल आता है तो हम लोग देखते हैं कि एक डायरी बना करके चलते रहते हैं कि क्या क्या खर्च होने वाला है, आगे क्या क्या खर्च होगा, ये सारा चीज हम लोग बना करके चलते हैं। फिर जब अगला साल आता है तो उस अगले साल के जस्ट पहले हम लोग वो पिछली वाली डायरी उठा करके देखते हैं कि हम लोगों ने कहां कहां पर कितने रुपए खर्च किए, किस किस विभाग में किस किस जगह पर हम लोगों ने कितना खर्च किए, या फिर हमें कहां पर कम खर्च करना चाहिए था, कहां पर ज्यादा खर्च करना चाहिए था, हमारी ग्रोथ क्या रही, रिस्पांस क्या रहा, हमने कहां पर फालतू में खर्च किया, कहां पर हमें हमने सही जगह पैसा लगाया। ठीक है, अब इसी चीज को देखते हुए अब हम लोग दोबारा से डायरी बनाते हैं और वो डायरी जो होती है वो अगले वर्ष के लिए बनती है। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि अब अगले वर्ष हमें क्या क्या चीज करना है, किन किन सेक्टर में जाना है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, आपको घर चलाने के लिए एक डायरी बनानी पड़ती है। ऐसे जब इतना बड़ा देश है तो बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, तो सब जगह आपको एक बजट बना करके चलना होता है। तो इसी वजह से बजट के पहले, बजट वो होता है जिसमें हम लोग ये पहले से अनुमान लगाते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च करेंगे, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट ये बताती है कि हम लोगों ने पिछले साल कहां कहां किस किस सेक्टर में कितना खर्च किया, कितना बचाया, कितना उत्पादन हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ। अब हमको इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगली साल कहां कहां पर क्या क्या करना है। तो ये है आर्थिक सर्वेक्षण आसान भाषा में। अब समझिए कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 जो अभी लॉन्च हुआ है, जो कि अभी 31 जनवरी यानी आज के दिन लॉन्च हुआ है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इसमें क्या कुछ बातें खास रही थी इसको देखते हैं। तो दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अभी 31 जनवरी को इसे पेश किया हुआ है। इसमें इसमें बताया गया है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2022-23 में जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट होने वाली है वो 8 से 8.5% तक होगी, यानी 8 से 8.5% के बीच में होगी। ये है इस इकोनॉमिक सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार। पिछली बार जो अनुमान लगाया गया था वो था 9.2% का, पिछली बार 2021-22 में जो अनुमान लगाया गया था वो था 9.2% का अनुमान। उसमें क्या था, उसमें ये था दोस्तों, लेकिन इस बार पिछली बार की अपेक्षा कम हुआ है, कम अनुमान लगाया गया है कि यानी पिछली बार की अपेक्षा कम वृद्धि से बढ़ेगी। उससे पहले एक टर्म और जानिए, सरकार ने यह भी कहा है कि ये 8 से 8.5% तक की जीडीपी ग्रोथ रेट तब होगी जब दोस्तों कोई भी साइड रिफॉर्म्स के साथ कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी महामारी ना आए, मौसम भी बिल्कुल सामान्य बना रहे तब, यानी ऐसी कंडीशन में ये रहेगी ग्रोथ रेट जब दोबारा से कोई महामारी ना आ जाए, जब मौसम भी बिल्कुल ऐसे रहे, कोई आपदा ना आ जाए। जब भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो दोस्तों बहुत सारा जीडीपी को नुकसान मिलता है, क्योंकि कृषि सेक्टर और भी बहुत सारे सेक्टर डिपेंड होते हैं। तो ये तब है जब दोस्तों कोई भी महामारी या कोई भी ऐसी चीजें आपदा ना आए, अगर वो ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो इसके नीचे भी हो सकता है जीडीपी का ग्रोथ रेट। अब देखिए आर्थिक बजट जो है, जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है, ये दो हिस्सों में पेश की जाती है। अभी पिछले कुछ सालों से ऐसा किया जा रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था, अब पिछले कुछ सालों से दो पार्ट में, दो खंड में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। पहला जो होता है वो दोस्तों ये बताई जाती है उसमें ये कि पिछला जो साल रहा उसका हालत क्या था, कहां कहां पर कितना खर्च हुआ, क्या क्या सिस्टम रहा है, ठीक है ना, वो हालत बताई जाती है कि अभी क्या सिचुएशन है, पिछली साल से अभी तक में क्या कुछ सिचुएशन रही। और जो इसका अगला जो पार्ट होता है, सेकेंड पार्ट होता है, दूसरे हिस्से में ये बताया जाता है कि डाटा क्या क्या है, यानी इसमें एग्जैक्ट डेटा शेयर किए जाते हैं,
ठीक है। तो इस दो रूप में ये बताया जाता था। पहले क्या होता था, सब कुछ एक ही में एक साथ शुरू किया जाता था तो बताया जाता था, ठीक है। इसको दोस्तों आर्थिक मामलों के विभाग के जो आर्थिक प्रभाग होते हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार, इसके मार्गदर्शन में ये तैयार किया जाता है। आपको याद होगा करंट अफेयर की वीडियो में मैंने अभी आपको बताया था, अभी कुछ ही दिन पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं अनंत नागेश्वरन जी। इनका नाम आपको याद रखना है, चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर हैं ये, ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं ये भारत के। तो इनकी सलाहकार, इनकी सलाह पर वित्त मंत्री के द्वारा ये लॉन्च किया जाता है। अभी भी कुछ लोग समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये जीडीपी क्या है, ये सब चीजें क्या है। अभी मैं बिल्कुल आपको समझा दूंगा ये जीडीपी क्या होता है, कैसे क्या कुछ होती है चीजें, बस आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो देखते रहो। पहले हम लोग रिपोर्ट जान लेते हैं कि इस वाले इकोनॉमिक सर्वे में क्या कुछ चीजें बताई गई हैं। देखिए मेन मेन जो पॉइंट्स हैं, कुछ बुलेट पॉइंट हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे इस इकोनॉमिक सर्वे में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ का अनुमान 3.9% रखा गया है। इसके अनुसार इंडस्ट्रियल सेक्टर में 11.8% की ग्रोथ का अनुमान रखा गया है। देखिए यहाँ पर सब जगह सिर्फ अनुमान ही लगाया जाता है, एक्सपेक्टेशन की जाती है कि कितना होगा, वो तो बाद में डिपेंड होता है कि क्या कुछ हुआ, ठीक है। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ में अनुमान 8.2% है। कोयले की मांग लगातार बनी रहेगी, 2030 तक 130 से 150 करोड़ कोयले की डिमांड रहेगी। इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष में यानी करंट फाइनेंशियल सेक्टर में, फाइनेंशियल ईयर में कृषि सेक्टर में 3.9% की दर से बढ़ सकती है। पिछले वित्तीय वर्ष में यह 3.6% था, यानी इस बार थोड़ा सा एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगा। कुल एक्सपोर्ट जो है ये महामारी के पहले के लेवल को पार करते हुए 16.5% बढ़ने की उम्मीद है। और वहीं इम्पोर्ट जो है यानी आयात जो है वो दोस्तों 29.4% की दर से बढ़ेगी। इस वाले इकोनॉमिक सर्वे में दोस्तों ये भी बताया गया है कि अमेरिका और चीन के बाद भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। और तो और जो अभी एक रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले ही, इसमें बताया गया था कि 44 यूनिकॉर्न्स भारत में सिर्फ और सिर्फ 2021 में मिले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यूनिकॉर्न क्या होता है, ऐसी कंपनियां जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन पार कर गई हो, तो वो कंपनियां यूनिकॉर्न होती हैं। तो ऐसी 44 यूनिकॉर्न कंपनियां 2021 में ही मिली भारत को, तीसरी सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनी वाला देश है भारत। इसके अलावा UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है, इसमें सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हुए। और इसमें रिपोर्ट डाटा जो जारी किया गया उसके अनुसार बताया गया कि केवल और केवल दिसंबर महीने में 8.26 लाख करोड़ रुपए के 4.6 अरब ट्रांजेक्शन्स किए गए UPI के थ्रू, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के थ्रू। इसके अलावा जो मुख्य इकोनॉमिक एडवाइजर थे संजीव सान्याल, इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट का कंजप्शन भी काफी ज्यादा मजबूत रहा, प्राइवेट का लेकिन कंजप्शन अभी भी महामारी के लेवल के जो पहले वाली स्थिति थी वो स्थिति अभी झेल नहीं पाई है। गवर्नमेंट तो ठीक ठाक वर्क पर आ गई है, दोबारा पटरी पर आ गई, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो झेल गए थे अभी उबर नहीं पाए हैं। जो GDP है ये महामारी से पहले के लेवल से 1.3% ज्यादा है। महामारी के पहले जब आई थी यानी 2020 में आई थी महामारी, उसके पहले जो GDP थी उसके अनुसार अब अगर कंपेयर किया जाए तो 1.3% ज्यादा है। इस इकोनॉमिक सर्वे में यह भी बताया गया दोस्तों कि भारत सरकार इसमें इस चालू वित्तीय वर्ष में सड़क बनाने पर सबसे ज्यादा खर्च कर रही है। सड़क बनाने पर यह 27% का खर्च कर रही है। इसके बाद रेलवे सेक्टर पर खर्च कर रही है, रेलवे पर दोस्तों 25% का खर्च किया जा रहा है। इसके बाद ये बिजली पर खर्च कर रही है, बिजली पर दोस्तों ये 15% का खर्च कर रही है गवर्नमेंट। इसके बाद जो है तेल और पाइपलाइन पर खर्च किया जा रहा है, तेल और पाइपलाइन पर खर्च किया जा रहा है, ये खर्च किया जा रहा है 8%। और फिर टेलीकॉम सेक्टर पर खर्च किया जा रहा है, टेलीकॉम सेक्टर पर 6% खर्च किया जा रहा है। तो ये तो था इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। अब आप समझिए GDP के ये पिछले कुछ सालों के क्या रिपोर्ट रहे। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे 2016-17 में 8.2% की दर से GDP हुई, ग्रोथ रेट हुआ, ठीक है, वृद्धि हुई GDP में। 6.8% की दर से 2017-18 में हुआ, 2018-19 में 6.5% और 2019-20 में 4.0%। इसके बाद देखिए महामारी आई और -7.3% की GDP ग्रोथ रेट हुई, यानी माइनस में GDP चली गई थी, ठीक है। इसके बाद 9.2% का आंकड़ा लगाया गया था, ठीक है, जो कि यहां पर आपको लिखा गया है 2021-22 का अनुमान लगाया गया था। और इस बार अनुमान जो है वो 8.5 से 8 के बीच में है, 8.0 से 8.5% के
बीच में जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान है। अब आप कहोगे जीडीपी होता क्या है, अब तो समझा दो। तो देखिए जीडीपी है क्या, बहुत ही आसान भाषा में समझिएगा, किसी देश की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक ऐसा, समझ लीजिए एक ऐसा मूल्य होता है जो ये बताता है कि किसी एक फाइनेंशियल ईयर में किसी एक देश में, मान लीजिए ये कोई देश है, उस देश में किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर बोले तो वित्तीय वर्ष भारत में कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में वित्तीय वर्ष चलता है। तो किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी एक देश में इसकी बॉर्डर के अंदर अंदर यानी सीमाओं के भीतर भीतर जितनी भी वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन होता है, जितनी भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, उसी को कहते हैं जीडीपी। क्या कहते हैं? जीडीपी। जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है वो सभी जीडीपी कहलाती है। अब ये जीडीपी कितनी दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है और कितनी दर से प्रतिवर्ष घट रही है, इसी को जीडीपी ग्रोथ रेट कहते हैं। जो भी विभिन्न एजेंसियां आप देखते हो वो जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाती हैं, ना कि जीडीपी का अनुमान लगाती हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, जीडीपी का अनुमान नहीं लगाती, वो बताती हैं कि हमारे हिसाब से इतने प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ होगी, ठीक है ना। जैसे अभी ये ग्रोथ लगाई गई है तो ग्रोथ मतलब कि इतने दर से बढ़ेगी, जितनी जीडीपी है उसमें इतना ग्रोथ होगा, ठीक है ना, लगातार बढ़ता ही जा रहा है, सिर्फ यही -7.2% को अगर छोड़ दिया जाए तो। ओके, अब देखिए इसके बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स भी होते हैं, जीडीपी जीएनपी वगैरह, ये सब चीजें आपको इकोनॉमिक में पढ़ाया गया है, जिसमें आपको बताया भी गया है दोस्तों कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जीडीपी में क्या होता है, कि यहाँ पर देश की सीमाओं के भीतर बोला गया है, तो इसमें ये खास बात नहीं है, जरूरी नहीं है केवल जो भारतीय है वही जो उत्पादन करेंगे वही, नहीं, भारत में जो विदेशी कंपनियां आई हुई हैं वो भी जो प्रोडक्शन करेंगी वो भी इंडिया में ही, इसमें जीडीपी में ही इंक्लूड होगा और उसे भी काउंट किया जाएगा। तो यानी सीमा के भीतर उत्पादन हो, चाहे विदेशों के द्वारा चाहे भारतीयों के द्वारा, सब जीडीपी में काउंट किया जाएगा। जीडीपी समझ में आ गया। अच्छा, अब देखिए, अब बात करते हैं दोस्तों निर्मला सीतारमण जी की। निर्मला सीतारमण जी हमारे माननीय वित्त मंत्री जी हैं और ये वित्त मंत्री के रूप में इस बार चौथी बार बजट पेश करने जा रही हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के सरकार की ये मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए दोस्तों इनके कार्यकाल के दौरान ये 10वां बजट है जो पेश होने जा रहा है। आजाद भारत का 92वां बजट है और 1 फरवरी 2022 को ये पेश किया जाएगा संसद में, ठीक है। इस बार भी दोस्तों कोविड के कारण जो इकोनॉमिक सर्वे है, ये दूसरा ऐसा इकोनॉमिक सर्वे रहा जो कोविड महामारी के दौरान लॉन्च किया गया, पेश किया गया, और दूसरा ही बजट भी रहेगा ये जो पेश किया जाएगा। कल इसका पार्ट टू आएगा जिसमें मैं आपको बजट के बारे में एनालिसिस करके बताऊंगा। इससे पहले कुछ और टर्म्स हैं जो इस बजट से रिलेटेड हैं, जो कि बजट का इतिहास रहा है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए बजट का हमारे जो इतिहास रहा है, क्योंकि 92वां बजट है, तो इससे पहले दोस्तों बहुत सारे ऐसे ऐसे बजट्स आए किसी किसी साल में जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाले आने वाले भारत में, जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पर खड़े हैं, इस स्थिति में है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती वाली अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में है। तो यहाँ पर कुछ बजट कौन कौन से थे महत्वपूर्ण, उनको हम लोग जानकर चलते हैं। तो बजट का इतिहास हम लोग देख लेते हैं, वर्तमान जो बजट का है उसको कल की वीडियो में बजट पेश होने के बाद मैं आपको बता दूंगा। तो यहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहला बजट, आजाद भारत का पहला बजट आर के खड़मुखम चेट्टी जी ने लॉन्च किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम्स के लिए। 1947 में 26 नवंबर को यह बजट पेश हुआ था, आर के खड़मुखम चेट्टी जी ने इसे पेश किया था। इस बजट में 171 करोड़ के इनकम और 197.3 करोड़ रुपए के कुल खर्च का अनुमान लगाया गया था। आजाद भारत का यह पहला बजट था। इसमें 46% डिफेंस सेक्टर में धन खर्च करने की बात की गई थी, जो कि होता है 92 करोड़ रुपए। इसमें सूती कपड़ों और धागों पर पहली बार एक्साइज ड्यूटी लगाई गई थी 3% की, इकलौता टैक्स ऐसा प्रपोजल रखा गया था। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बजट आया वो गणतंत्र भारत का पहला हुआ। स्वतंत्र भारत का आपने जान लिया, गणतंत्र भारत का अगर पूछा जाए तो गणतंत्र भारत का पहला बजट दोस्तों जॉन माथाई जी ने पेश किया था। जॉन माथाई जी 28 फरवरी 1950 को ये बजट पेश किए थे। इस बजट में क्या खास बात थी, इस बजट की खास बात ये थी कि इसमें इनकम टैक्स की जो दर है वो 30% से घटा करके 25% कर दी गई। पहले 78% तक का टैक्स लगा करता था, उसमें उस वक्त अगर कोई 1.2 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम करता था तो 55% टैक्स उस पर लगता था। टोटल टैक्स की जो टैक्स की दर थी वो 78% तक थी, तो अब तो बहुत ज्यादा कम किया गया है, ठीक है ना। इसके बाद
ब्लैक बजट। ब्लैक बजट इसे क्यों कहा गया समझिए। ब्लैक बजट इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें कोयला सेक्टर को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला इस बजट में। इस बजट को पेश किया था यशवंत राव चव्हाण जी ने, 1973 में आया हुआ था द ब्लैक बजट। इस बजट में जनरल इंश्योरेंस कंपनियां, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन और कोयले की जो खदानें थी इनका नेशनलाइजेशन किया गया और इनको नेशनलाइज करने के लिए, राष्ट्रीयकरण करने के लिए 56 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसके बाद में असर क्या हुआ, इंपैक्ट क्या पड़ा, कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण और की वजह से कोयला उत्पादन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आई भारत में, व्यापक बढ़ोतरी आई। इस वजह से इस बजट का नाम द ब्लैक बजट रखा गया। इसके अलावा दोस्तों यशवंत राव चव्हाण जी जो हैं ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, इन्होंने सिगरेट पर दोनों ही बजट में टैक्स बढ़ा दिया था। इसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट बजट आता है जो हम लोग आज तक चर्चा करते हैं, उदारीकरण वाला बजट। इस बजट को पेश किया था माननीय मनमोहन सिंह जी ने, इनकी वजह से हमारा देश जो है आर्थिक मंदी के दौर से निकल आया था, बचाया था इन्होंने भारत को आर्थिक मंदी से। 1991 में दोस्तों 24 जुलाई को इन्होंने बजट पेश किया था। उदारीकरण वाला बजट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बजट में इन्होंने एक मॉडल दिया था एलपीजी, एलपीजी मॉडल यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उसी के बाद से दोस्तों इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ी चेंजेस आई, विदेशी कंपनियां जो हैं वो भी भारत में आने लगी। देखिए इसको समझिए क्या है, ग्लोबलाइजेशन होने से फायदा क्या होता है, निजीकरण से, प्राइवेटाइजेशन से क्या फायदा है और इसके अलावा ये लिबरलाइजेशन से क्या फायदा है। इससे होता क्या था, पहले क्या होता था कि एक ही कंपनी जो भारत की कंपनी थी, क्योंकि दोस्तों 300 सालों से ज्यादा से समय से भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम रहा था, तो भारत ने क्या किया था, आजादी के बाद ऐसा डिसीजन लिया था कि कोई भी भारतीय कंपनी, विदेशी कंपनी भारत में नहीं आएगी, भारत में व्यापार करने नहीं आएगी, क्योंकि एक बार चूना लगा चुके हैं लोग व्यापार करने के माध्यम से, ठीक है, व्यापार करने के बहाने आए थे, उसके बाद कब्जा कर लिए थे। लेकिन जब फिर 1950 से 1991 तक यही सब चलता रहा, लेकिन जब दोस्तों 1991 में ऐसी स्थिति आ गई, भैया भारत का जो मुद्रा कोष भंडारण था वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पे था, 7 दिन के लिए भी नहीं चल सकता था, तो फिर इन्होंने एलपीजी मॉडल लाया। और इस मॉडल के बाद से जब देश की अर्थव्यवस्था खुली, ग्लोबलाइजेशन आया, तो फिर क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से विदेशी कंपनियां भी आने लगी, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिला, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन को बढ़ावा मिला, इससे जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी उठ खड़े हुए, तेजी से मजबूती पाए, उनको भी बहुत सारी चीजों में अनुमति मिली सरकार के द्वारा। तो इस वजह से इकोनॉमी एक बार फिर से बूस्टअप हुई और भारत एक बार फिर से तेजी से अर्थव्यवस्था, बढ़ती वाली अर्थव्यवस्था वाला देश बना। आयात निर्यात के नियमों पर बहुत आसान इन्होंने कर दिया, इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन बहुत आसान इन्होंने कर दिया, विदेशी कंपनियों के लिए बड़े बड़े सेक्टर खोले और बड़े बड़े काम उठाए, कदम उठाए इन्होंने। इसकी वजह से भारत की इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिली। इसके बाद जो बहुत बड़ा एक और बजट आया वो था जीएसटी के बाद वाला बजट। जीएसटी आप सबको पता होगा दोस्तों 1 जुलाई 2017 को आधी रात से जीएसटी पेश हुआ। जीएसटी के बाद पहला बजट 2018 में लॉन्च हुआ। 2018 में 1 फरवरी को जब ये बजट पेश हुआ, अरुण जेटली जी उस टाइम पर वित्त मंत्री थे, स्वर्गीय अरुण जेटली जी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड, तो इन्होंने ये बजट पेश किया था। इस बजट में जीएसटी को, जीएसटी के बारे में, जीएसटी के बाद, क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद बजट पेश किया गया था, तो सभी लोग एकदम बिल्कुल कंफ्यूज थे कि कैसा क्या होगा, किसमें क्या चीजें होंगी, कैसा क्या होगा, ठीक है। जीएसटी जो है एक प्रकार से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके बारे में आपको वीडियो भी दिया हूं, आप देख सकते हो जीएसटी एमजेटी एजुकेशन डाल करके। ये 17 प्रकार के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको सबको मर्ज करके एक में कर दिया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कर दिया गया, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जब 101वें संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को, उसके बाद से ये बजट था। इसमें दोस्तों जो भी अप्रत्यक्ष कर और जो भी अलग अलग प्रकार के स्लैब थे उनकी प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा आसान कर दी गई टैक्स की, तो काफी ज्यादा समझने में आसानी हो गई, ठीक है, और देश की, इंडिया की इकोनॉमी में और ज्यादा बूस्टअप आया, क्योंकि क्योंकि कहीं ना कहीं टैक्स ज्यादा मिलने लगा जीएसटी की वजह से। ओके, तो ये तो था दोस्तों बजट का अभी तक का इतिहास। इसमें निर्मला सीतारमण जी इनके बाद दोस्तों बनी वित्त मंत्री और फिर उन्होंने 4 बार बजट पेश किया, 4th बार ये अभी कल पेश करने जा रही हैं बजट। तो ये तो इतिहास था हमारे इंडिया के बजट का, कुछ प्रमुख मुद्दों पर हमने बात की। अब आपसे एक मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा, भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट किसने किसने पेश किया था,
आपके ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई है तो अपने यार दोस्त के पास भी शेयर कीजिए, सबको समझाइए इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। कल इसका पार्ट टू लेकर के मैं आऊंगा कि बजट में इस बार क्या कुछ खास बातें रहेंगी, क्या कुछ किस किस सेक्टर पे ज्यादा खर्च किया जाएगा। इसके अलावा आप MZT ऐप डाउनलोड करके फ्री में क्विजेस, PDF वगैरह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे वीडियो कोर्सेज भी आते हैं, इन पर डिस्काउंट भी चल रहा है, इन ऑफर्स का आप फायदा उठा सकते हैं। इन वीडियो कोर्सेज को आप जाकर के MZT ऐप से ले सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।